आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने बुआ सास के घर जा रही हूँ, उनके यहाँ कथा है। तो मैं अगर मुझे वहाँ पे समय मिलता है तो मैं दिखाऊंगी थोड़ा वहाँ का भी, थोड़ा जाते समय मार्केट भी दिखाऊंगी। और आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है। बुआ सास के यहाँ जा रही हूँ तो साड़ी पहनना तो वाजिब है, बनता है। बस मैं जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी और आप सबको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं जा रही हूँ, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैं ऑटो में बैठी हूँ, ये भैया चला रहे हैं ऑटो वाले भैया। और ये देखिए हमारी खूबसूरत सी नगरी झांसी। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको ये लगेगा कि काम करने की वजह से या ऐसे मैंने बहाना बना दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग जो होते हैं, तो अगर कुछ भी हम लोग बोले ना वो सही बोले, लेकिन ससुराल पक्ष वालों को ये लगता ही है कि हम लोग बहाना कर रहे हैं। और मिलवाना चाहती हूँ आप सबको, तो मैं दिखाती हूँ। मेरा बेटा है वो भी मेरे साथ जा रहा है, अभी मैं दिखा रही हूँ उसको। प्रयास देखिए, ये है मेरा बेटा और ये भी मेरे साथ जा रहा है, हम दोनों जा रहे हैं। हाय बोलो। हाय। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज अपनी बुआ सास के घर गई थी बेटे को लेके, और बेटी स्कूल गई है, बेटे का छुट्टी था, कल से इनका एग्ज़ाम शुरू है, तो वापस हम घर जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको मार्केट दिखाऊंगी। देखिए पैंटालूज, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हम रिक्शे में बैठे हैं, मैं आपको पैक करके दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत हमारे यहाँ ये यहाँ है काशी, ठीक। और यहाँ का नाम है काशी जी, पहले लोग बोलते हैं बनारस, तो बनारस यहाँ पे दोस्तों बना बनाया रस मिलता है। सब इतने बिल्कुल मौज मस्ती में, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, बिंदास जीते हैं, जिसको बोलते हैं ना जिंदगी जीना। यहाँ पे लोग बिंदास जीते हैं, कोई टेंशन नहीं किसी तरह की। तो ये है हमारी काशी नगरी बाबा विश्वनाथ जी की। देखिए बहुत ही खूबसूरत आपको दिखा रही हूँ। और मैं बहुत थक गई हूँ, जैसा कि आप मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं। आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप सबका इतना प्यार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे से जो भी गलती हो प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। जो भी अच्छा नहीं लगता है आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। और
आप लोग का प्यार चाहिए दोस्तों, प्लीज़ 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 मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद की। फाइनली मेरा बचपन का सपना जो था कि दूसरों के घर पहले तो टीवी होता था, तो देख के लगता था ना कि टीवी में कैसे लोग दिखते हैं, कैसे आते हैं। अब अपने को कैमरे में देख के, अपना रिकॉर्डिंग देख के वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और लगता है कि मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप सब के प्यार के लिए। और बहुत 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 धन्यवाद, कल मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। और कोरोना में बच के रहिए, सावधानी रखिए, मास्क लगाइए। बाय, नमस्ते।